फिर 1998 में हमारी इंडिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट आया, कांग्रेस गवर्नमेंट से बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी सरकार बनी, वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत कुछ हुआ। और इंडिया वॉज गोइंग थ्रू वो टर्बुलेंस बोलते हैं ना, स्मूथ जा ही नहीं रहा था, सब हिल रहा था, सब कुछ हिला हुआ ही था। मतलब एक चीज संभालने जाओ दूसरी चीज कोलैप्स हो जा रही थी, दूसरी चीज पकड़ने जाओ तीसरी चीज कोलैप्स हो रही थी। वी वर नॉट शेप लाइक दिस। अभी जितना हमारा चल रहा है ना, हाईली कोऑर्डिनेटेड, हाईली फोकस्ड, ऐसा नहीं था तभी। हर चीज के लिए फाइट था हमारे पास। कभी हमारे पास पेट्रोल फ्यूल नहीं है, कभी गल्फ में वॉर चालू हो रहे हैं, कभी हमें फॉरेन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, हमें ऑप्रेस किया जा रहा है, हमारे सिटीजन्स के साथ बदतमीजी की जा रही है फॉरेन कंट्रीज में। हमेशा वी वर स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ पावर प्ले। ये जो डेवलप नेशन है ना, हमें हमेशा ताकत, उनकी ताकत दिखाते थे और हमें हमारी औकात, ये हमेशा चलते रहता था। इसी पीरियड में फिर से 2004 के आसपास पी चिदम्बरम जी फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बने, और उन्होंने देखा कि उनकी जो आइडिया थी, जो उन्होंने 1997 में लाई थी, वो फर्टाइल नहीं हो रही है, वो फ्रूटफुल नहीं हो रही है, वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। सेज करके कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था ऑन पेपर, लेकिन प्रैक्टिकली लोग सेज में जाके बिजनेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि सेज भले हाईवे के नजदीक था लेकिन सिटी से थोड़ा बाहर था ना। तो सिटी, आप क्यों अपना लगा लगाया बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस छोड़ के उस सेज में जाओगे? कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक ही चल रहा था। तो 2004 में उन्होंने और एक कॉन्सेप्ट लाई। पहला एक सेक्शन लाया गया, 54 करके एक सीरीज है, आप जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ाऊंगा मैं, एक 54 करके सीरीज है हमारे यहाँ पे, और उस सीरीज में उन्होंने एक सेक्शन ऐड किया 54G, कैपिटल गेन में है, खाली बता रहा हूँ आपको कि एक ऐसा सेक्शन लाया गया। उस सेक्शन में बेनिफिट क्या दिया कि आपका अगर फैक्ट्री नॉर्मल सिटी में, कहाँ पे है, नॉर्मल सिटी में अगर आपका फैक्ट्री है, और आप अगर नॉर्मल से अपना फैक्ट्री शिफ्ट करते हो सेज में, कहाँ पे, सेज में, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बेचोगे आप, और ये हाई वैल्यू पे जाएगा क्योंकि ये सिटी के करीब है, सिटी के अंदर है। इनफैक्ट सिटी के अंदर की लैंड का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और सेज के अंदर तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा लैंड बिल्डिंग, तो बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन जनरेट होगा। तो कैपिटल गेन जो आपका होगा वो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब जो लैंड एंड बिल्डिंग आपने सेल करने का कैपिटल गेन कमाया वो पहले एग्जेम्प्ट कर दिया, तो टैक्स फ्री कर दिया बेचना। दूसरा उन्होंने एक एडवांटेज किया, जो भी यूनिट्स यहाँ पे जाएंगे, उनके लिए एक नया सेक्शन लाया। जिस सेक्शन की बात मुझे करनी थी, जिसके लिए मैंने इतना पूरा बैकग्राउंड दिया, उस सेक्शन का नाम था 10AA। क्या नाम दिया उन्होंने? 10AA। 10AA में क्या हो गया कि साहब, 10AA में हमने किया क्या कि 10AA में हमने बोला लोगों को कि या तो आप अपना फैक्ट्री बाहर का बंद करके अंदर आओ, या बाहर का भी चालू रखो और अंदर भी एक चालू करो, हमें सेज डेवलप करना है। तो आप बोलोगे फिर दो फैक्ट्री क्यों लगाओ? मैं, उन्होंने बोला डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ये वाला लगाओ, डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो बाहर वाला है वो डोमेस्टिक, मतलब इंडिया की इंडिया में सप्लाई करो, क्योंकि ये पोर्ट और एयरपोर्ट के नजदीक है, यहां से आप फोकस किसके ऊपर करो, एक्सपोर्ट के ऊपर करो, ठीक है ना। आपकी कैपेसिटी ना, आप अच्छा गारमेंट बनाते हो ना, आप एक्सपोर्ट करो, आप कैंडल बनाते हो ना, एक्सपोर्ट करो, आप अगरबत्ती बनाते हो ना, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करेंगे तो ही तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा, तो फॉरेन करेंसी भी तो इंडिया में लाना है। और इंडिया की डिमांड सेटिस्फाई होने के बाद आप फैक्ट्री बंद करके ताला मार के क्यों लग रहे हो? अभी आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए ना, ग्लोबल डिमांड सेटिस्फाई करो, जो चाइना कर रहा है वो आप करो। चाइना कहाँ खाली चाइना के लोगों के लिए गुड्स बना रहा है, चाइना पूरे ग्लोब के लिए गुड्स बना रहा है, जर्मनी खाली पूरे ग्लोब के लिए गुड्स बना रहा है, यूएसए पूरे ग्लोब के लिए गुड्स बना रहा है। तो आप भी जाओ ना ग्लोबल, यू ऑल्सो गो ग्लोबल। 1991 में इंडिया एक ओपन इकोनॉमी बन गया, लेकिन ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझने के लिए हमको और 10 साल लग गए, समझ रहे आपको? तो यू गो ग्लोबल, तो हमने बाबा बोल दिया यू गो ग्लोबल का मतलब क्या? तो हमने बोला कि भैया 10AA करके कुछ कॉन्सेप्ट लाया गवर्नमेंट ने। तो 10AA क्या करता है सर? 10AA क्या करता है पता है? जो आपका एक्सपोर्ट यूनिट होता है, इसको नाम दे दो एक्सपोर्ट यूनिट, क्योंकि इसका काम ही क्या है, और ये कहां पे लोकेटेड है? एसईजेड। एसईजेड का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक डेजिग्नेटेड एरिया, ठीक है ना। आप इसको, इस पूरे स्टोरी का आपको बेनिफिट इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा होगा साहब, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स में अभी इसका इंपैक्ट कम है, इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा है। एसईजेड के डेवलपर को जीएसटी नहीं लगता, एसी जेड के अंदर के लोगों को भी जीएसटी
नहीं लगता, मान लेते ये बांद्रा है और एसीजेड अंधेरी में है, ये बांद्रा है और ये एसीजेड कहां पे है, अंधेरी में है, यहां से यहां गुड्स गया ट्रक से, बांद्रा से कहां गया माल, अंधेरी में, ये एक्सपोर्ट है क्या बोलो, अरे मुंबई के मुंबई में है ना, ये एक्सपोर्ट है क्या, नहीं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स डीम्ड एक्सपोर्ट बोलता है, डीम्ड एक्सपोर्ट बोलता है क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स, क्योंकि आप सेज में माल सप्लाई कर रहे हो और सेज कहां पे सप्लाई करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, और टैक्स लगेगा तभी भी इसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। आप बोलोगे क्या, ये तो इंट्रास्टेट सप्लाई है ना, अरे इंट्रा सिटी है, सिटी भी बाहर नहीं गया, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही सप्लाई है ना, तो सीजीएसटी एचजीएसटी लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि नॉर्मल एरिया से, इसको हम डीटीए बोलते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से, जब सेज में सप्लाई होता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कहां पे सप्लाई होता है, सेज में, तो हम इसको डीम्ड इंटरस्टेट बोलते हैं, माना जाता है कि ये इंटरस्टेट है, क्योंकि माना जाता है सेज इंडिया का पार्टी नहीं है, सेज की जो जमीन है ना, मान लेते अपने गडिंगलग में भी वो एमआईडीसी जो है ना उसको सेज डिक्लेयर कर दिया कल गवर्नमेंट ने, तो क्या माना जाएगा, वो इंडिया नहीं है, आप उधर जाके जमीन पे खड़े रहने का और बोलने का मैं इंडिया के बाहर है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में उसको अज्यूम किया जाता है इसे एक्सटेरियल टेरिटरी, ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, इसलिए मैंने स्टोरी अभी बता दिया ताकि मैं बार बार नहीं बताऊं आपको सेज क्या है, सेज समझ में आया आपको क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसके अंदर हमने यूनिट लगाया, तो गवर्नमेंट ने हमको एक टैक्स हॉलीडे पीरियड दिया है, क्या पीरियड दिया साहब, पहले 5 साल में, फर्स्ट फाइव ईयर्स आपका 100% प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, क्या बोला हमने, 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, जितना भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट कमाओगे पूरा एग्जेम्प्ट, मजा है कि नहीं, मतलब टैक्स लगेगा नहीं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना हो सकता है, 1 करोड़ होगा तभी भी एग्जेम्प्ट, 100 करोड़ होगा तो, और 1,000 करोड़ होगा तो, और 10,000 करोड़ होगा तो करो एक्सपोर्ट प्रॉफिट, बड़ी बड़ी कंपनी अभी लगाएंगी कि नहीं यहां पे यूनिट, क्योंकि हम नॉर्मल इधर डीटीए में रख के अगर एक्सपोर्ट किया तो टैक्सेबल, सेज में रख के अगर एक्सपोर्ट किया तो ही एग्जेम्प्ट, तो कहां पे करोगे, एक्सपोर्ट करना है तो कहां पे फैक्ट्री लगाओगे, सेज में लगाओगे, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल टैक्स प्लानिंग, ऐसे ज्योग्राफी में जाके आप बिजनेस करो जहां पे टैक्स का एग्जम्पशन है, किधर भी बिजनेस नहीं करने का, आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी ज्योग्राफी को गवर्नमेंट इनकरेज कर रहा है, तो सेज को इनकरेज कर रहा है, तो सेज में जाके बिजनेस करो। अभी हमारी इंडिया में IFSC करके कुछ आया है ना नया, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर ऐसा कुछ है, इसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं गुजरात में, अब गवर्नमेंट इसको इनकरेज कर रहा है, तो आपको अगर उसके रिलेटेड अगर बिजनेस करना है तो कहां पे करना चाहिए था, गुजरात में जाओ, IFSC में सेटअप लगाओ, माइग्रेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टैक्स का एग्जम्पशन लेना पड़ेगा, तो आपको ज्योग्राफी भी समझ में आनी चाहिए, हिस्ट्री भी समझ में आनी चाहिए, इतिहास भी समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है सर, पहले 5 साल तक तो 100% प्रॉफिट एग्जाम, सर नेक्स्ट फाइव ईयर्स में क्या करेगा गवर्नमेंट, कम करेगा कि नहीं, नेक्स्ट फाइव ईयर्स में 50% प्रॉफिट एग्जाम, एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जाम नेक्स्ट फाइव ईयर्स में, पहले फाइव ईयर्स में कितना एग्जाम किया और नेक्स्ट फाइव ईयर्स में कितना किया, 50% किया, समझ में आया, हाफ कर दिया। अब लास्ट फाइव ईयर्स में गवर्नमेंट ने बोला 50% ही एग्जम्प्ट, यहां पे भी कितना 50 रखा है, लेकिन और बोल दिया उन्होंने यहां पे, और एक नंबर और डाल दिया, बोला अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेज री इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना, सेज री इन्वेस्ट ऐसा कुछ है, विच एवर इज लोअर। सर इसका क्या लॉजिक है, ये डेप्रिसिएशन करके कॉन्सेप्ट समझता है आप लोगों को, अकाउंट्स में देर इज समथिंग कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ये समझता आपको डेप्रिसिएशन करके कुछ होता है। मुझे बताओ बिजनेस करके आपको 10 साल हो गए, 10, 11, 12 साल हो गए, आपको नहीं लग रहा अभी जो मशीनरी आपने लगाई होगी सेज के अंदर वो पुरानी हो गई होगी, और अभी आपको उसको नई मशीनरी नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रॉफिट थोड़ा रिजर्व करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अचानक ओवर द नाइट आप मशीनरी नहीं खरीद सकते। तो 10 साल के बाद गवर्नमेंट बोलता है कि आप एक बैंक में अकाउंट ओपन करो और उसमें रिजर्व रखा करो, ताकि आपको आगे जाके री इन्वेस्टमेंट करने के लिए ईजी चला जाए।
तो पहले 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 5 साल का तो एकदम सिंपल है, मैंने अगर 10 करोड़ हर साल कमाया तो कितना एग्जम्पशन मिलते जाएगा पहले 5 साल? 10 करोड़ मिलेगा। अगले 5 साल तक क्या होगा? मैं 10 करोड़ कमाते जाऊंगा, 5 करोड़ एग्जम्प्ट होगा और 5 करोड़ के ऊपर टैक्स लगेगा। 5 करोड़ एग्जम्प्ट, 5 करोड़ टैक्सेबल, फिर भी अच्छा ही है ना, आधा ही प्रॉफिट टैक्सेबल हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब यहां पे लास्ट 5 ईयर्स में मैंने अगर 10 करोड़ कमाए तो 5 करोड़ तो एग्जम्प्ट होना था, लेकिन गवर्नमेंट मुझे पूछेगा री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कितना किया, तो मैं बोलूंगा 3 करोड़ किया, मुझे वैसा एग्जम्पशन कितना मिलना था 5 करोड़, लेकिन मैंने री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में पैसा कितना लगाया 3 करोड़, तो विच एवर इज लोअर कितना मिलेगा 3 करोड़। मैंने री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में 6 करोड़ लगाए तो कितना मिलेगा 5 करोड़, क्योंकि 50% के ऊपर तो वैसे भी कैपिंग था, समझ में आ रहा है। तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट या अमाउंट डिपॉजिटेड इन सेज री इन्वेस्टमेंट अकाउंट विच एवर इज लोअर के हिसाब से इसका डिडक्शन मिलता है। यहां तक क्लियर है? ये 10AA का सेक्शन था, ये भी जा चुका है, मतलब इसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपके असेसमेंट ईयर में ये सेक्शन अभी नहीं है, इसका सनसेट हिट हो चुका है। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो? अरे बाबा, जिसने वैलिड पीरियड में चालू किया होगा उसके लिए 15 साल तक अवेलेबल है ना, समझ रहे हैं आपको मैं क्या बता रहा हूँ? अगर मैं 2020 इसका लास्ट ईयर बोलता हूँ तो 2020 में जिन्होंने चालू किया होगा तो उनको 2035 तक ये बेनिफिट मिलते रहेगा। तो लॉ में है ये सेक्शन, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो क्या अभी? नहीं, नई कंपनी बना के नहीं ले सकते, तो सैड है लेकिन नहीं ले सकते। यहां तक क्लियर है? इन सारे डिडक्शंस को हम इनकम टैक्स में प्रॉफिट लिंक डिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके प्रॉफिट को लिंक किया गया ना, मैंने 100% किसको लिंक किया? प्रॉफिट को, ठीक है ना। तो मैं आगे जाके कभी तो आपको इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन पढ़ाऊंगा, जो अरुण जेटली सर ने लाया हुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। अभी हमने क्या समझना है? प्रॉफिट लिंक डिडक्शन। यहां तक क्लियर है? अब मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट और समझानी है कि मैंने हर बार वर्ड यूज किया एक्सपोर्ट प्रॉफिट, कौन सा वर्ड यूज किया? लेकिन एक्सपोर्ट प्रॉफिट करके कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ठीक है ना। आपके पास होता है टोटल टर्नओवर, तो आपका टर्नओवर होता है पीएनएल में, ये समझ रहे आपको, यहां पे टोटल सेल्स होता है और यहां पे टोटल प्रॉफिट होता है, तो ये टोटल प्रॉफिट होता है और ये टोटल टर्नओवर होता है। टर्नओवर समझ में आ रहा है ना, टीटी, टोटल टर्नओवर और टोटल प्रॉफिट, ये डेटा मैंने आपको दे दिया और आपको इंटरनल डेटा भी दे दिया कि ये टोटल टर्नओवर अगर आपका 100 करोड़ है, टोटल टर्नओवर 100 करोड़ है और आपका टोटल प्रॉफिट 20 करोड़ है, 100 करोड़ के ऊपर कितना कमाया आपने? 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो आप। फिर मैंने आपको इंटरनल डेटा दे दिया कि इसके अंदर साहब ये जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उसके अंदर टोटल टर्नओवर के ऊपर मैं बता रहा हूँ इंटरनली 60% जो बिजनेस आपने किया था या 60 करोड़ का जो बिजनेस आपने किया था वो एक्सपोर्ट का था और 40 करोड़ का जो बिजनेस आपने किया वो डोमेस्टिक था, ये समझ में आ रहा है आपको? 100 करोड़ का 60 करोड़ का बिजनेस आपका एक्सपोर्ट का था, ओके, और 40 करोड़ का बिजनेस आपका डोमेस्टिक का था, ये ऐसे मैंने आपको डेटा दिया। और फिर मैंने पूछा, फिर मुझे बताओ एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना? नहीं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना? मेरे पास एक्सपोर्ट प्रॉफिट नहीं है, क्रॉस, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आता है? जब मैंने 100 करोड़ का बिजनेस किया तो मुझे 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ये टोटल टर्नओवर टोटल प्रॉफिट है। 100 करोड़ का बिजनेस किया तो 20 करोड़ मैंने कमाए, 100 करोड़ में का 60 करोड़ एक्सपोर्ट किए, 100 करोड़ में का 60 करोड़ एक्सपोर्ट है तो 20 करोड़ में का कितना प्रॉफिट एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा? तो इसको क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। विनायक सर आपको पढ़ाएंगे, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फिगर कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे 20 × 60/100। इसका अगर मैं नाम देना चालू करूँ तो ये 20 क्या है? टोटल प्रॉफिट है। ये 60 क्या है? एक्सपोर्ट टर्नओवर है। और ये 100 क्या है? टोटल टर्नओवर है। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो ये क्या देगा आपको? एक्सपोर्ट प्रॉफिट देगा। इस फॉर्मूला से आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालोगे, जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट आएगा, जैसे अभी कितना आया? 12 करोड़ आया। अभी आप मुझे बताओ, पहले 5 साल के पीरियड में अगर आप रहोगे, अगर आप फर्स्ट 5 ईयर के पीरियड में रहोगे तो ये पूरा का पूरा 12 करोड़ एग्जम्प्ट हो जाएगा।
सिक्स्थ ईयर टू टेंथ ईयर के पीरियड में रहोगे तो इसका 50% मतलब 12 का 6 करोड़ एग्जम्प्ट हो जाएगा, और लास्ट 5 ईयर्स में मतलब 11th ईयर टू 15th ईयर के पीरियड में रहोगे तो इसके 50% के साथ कंपेयर करेंगे कितना अमाउंट आपने सेज रिजर्व अकाउंट में डिपॉजिट किया था, विच एवर इज लोअर। ये समझ में आ रहा है आपको? ऐसा कुछ ये सेक्शन करता है। यहां तक क्लियर है? दिखाता हूं मैं आप लोगों को, आपको समझ में आया क्या? मैं चेक करता हूं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, खाली मुझे लॉजिक आगे जाके पढ़ाना पड़ेगा इसलिए मैंने पढ़ाया। ये थोड़ा ये हो रहा है विनायक सर, इसके ऊपर ऐसा लाइन रन हो रही है, मतलब इधर नहीं आ रहा है ना, इधर नहीं आ रहा है, इधर ऐसे लाइन रन हो रही है। कुछ नहीं, आपको इतना ही याद रखना है, 10AA स्पेशल प्रोविजन फॉर न्यूली एस्टैब्लिश यूनिट इन सेज, ये सेज वाली यूनिट के लिए कि नॉर्मल डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के यूनिट के लिए बेनिफिट है? सेज। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर आपको 10AA का बेनिफिट लेना है तो फैक्ट्री कहाँ लगानी पड़ेगी? सेज। सेज इज द गवर्नमेंट नोटिफाइड इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना, जिसको हम फॉरेन टेरिटरी मानते हैं। ओके, आप कोचीन एयरपोर्ट पे उतरोगे तो हार्डली 8 किलोमीटर पे ही सेज लोकेटेड है, केरला का वन ऑफ द बिगेस्ट सेज, क्योंकि वो साउथ में है ना, एक तो एयरपोर्ट भी बाजू में है और कोचीन के बाजू में पोर्ट भी है, तो पोर्ट और एयरपोर्ट के बीच का उनको बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए बहुत सारी फैक्ट्रीज वहाँ पे लगी हुई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो दैट इज वन ऑफ द सेज दैट आई हैव सीन पर्सनली इन माय लाइफ। देखते हैं, तो इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ एन अंडरटेकिंग बिगिंस मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस, तो ये क्यों, कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस है? इंडस्ट्री भी देख लो ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ना, ये इंडस्ट्री के ऊपर तो हमने इसके पहले भी बात की है कि गवर्नमेंट का फोकस इसके ऊपर है, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। अब उन्होंने यहाँ पे बोला ये भी चल सकता है, सॉफ्टवेयर वगैरह भी चल सकता है, कंप्यूटर भी चल सकता है, क्योंकि तभी आपको पता है कंप्यूटर का भी जमाना था, टेक्नोलॉजी को भी इंडिया में लाना था, तो ये उन्होंने यहाँ पे एक्सपांड करके रखा है। ये खाली आपको इतना याद रखना है, इतना याद रख लोगे कि बाकी सब रहने दो, बाकी सब स्टोरी जाने दो। पहले 5 साल तक कितना लगता है? 100% ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट 5 ईयर्स कितना? 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और लास्ट 5 ईयर्स में कितना अमाउंट क्रेडिटेड टू सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट और 50%। ये दिख रहा है गलती से यहाँ पे आया, ये यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है ना, और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। ये दिख रहा है अमाउंट क्रेडिटेड टू सेज री इन्वेस्टमेंट अकाउंट या 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। ये लास्ट 5 ईयर का है। सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, ये देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला, पीजीबीपी ऑफ यूनिट लोकेटेड इन सेज इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय, अरे आपको समझ रहा है क्या? ये आपने परसेंटेज निकाले क्या कभी अपने आप लाइफ में? आपको 82 मार्क्स मिला आउट ऑफ 100, तो क्या करोगे? 82 डिवाइड बाय 100 ना। तो मैं क्या पूछते रहता हूँ हमेशा, भैया एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है टोटल टर्नओवर में से उसका परसेंटेज निकालो, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करोगे तो क्या आएगा आपके पास? परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, और टोटल प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? एक्सपोर्ट प्रॉफिट। इससे सिंपल करके तो नहीं बता सकता मैं, आप देख लो अपने हिसाब से। ओके, फिर यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह लिखे हैं, वो जाने दो आप, अभी इतना सोचो मत क्योंकि आपको वो सब पता भी नहीं चलेगा मैं बताऊंगा तो। अपन लोग डायरेक्टली जंप करते क्वेश्चन आंसर के ऊपर। सर क्वेश्चन बुक कहाँ मिलेंगे इसके? हाँ एक किद डाउनलोड्स में है। हाँ लास्ट किया था ना अभी थोड़े टाइम पहले, थोड़े दिन पहले ही तो दिया था आपने मुझे, कल ही तो क्वेश्चन बुक ओपन हुआ था एक। ये प्रॉब्लम होता है ना, नया कुछ पढ़ाने जाओ तो विदाउट प्रिपरेशन कुछ नया पढ़ाने जाओ तो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्ट्रगल।
अरे इसमें से भी निकल दिया कि मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूं। इंटर के चैप्टर में से निकाल दिया वो लोग ने। 14 ये है, इसमें से भी हटा दिया। नहीं, मिल गया मुझे। थोड़ा ढूंढना पड़ता है इधर उधर। आ सकता है कुछ इफेक्ट मतलब, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, तो एक सेक्शन खाली आपको दिखाना था इसलिए मैंने इस सेक्शन पे आया। ATIAB भी मैंने बताया था, आपको याद आ रहा है? हम ATIAB भी नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे थे? 10AA, लेकिन उसके पीछे का एक बैकग्राउंड सेक्शन पढ़ाया था, वो किसके लिए था? ATIAB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन डिराइव बाय एन अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज एंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ सेज। जिन्होंने सेज बनाया उनके लिए एग्जम्पशन लाया था। और सेज किसने बनाया हमारे देश में? रिलायंस ने, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने एग्जम्पशन को एंजॉय किया गया। ये समझ में आया आपको? एक तो ये आपको मुझे सेक्शन बताना था, बता दिया। सर काम का है क्या? नहीं है, भूल भी जाओगे तभी भी चल जाएगा, लेकिन 10AA याद रखना प्लीज। यहाँ पे 10AA चालू होता है, बहुत सारा उन्होंने चीज़ें लिखे, आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो आपको सिखाया है आप उसके ऊपर फोकस करो। ऑडिट वगैरह मैंडेटरी है, ये सब इन्होंने लिखा है। और ये दिख रहा है 31 मार्च 2021 तक, ये 2020 में ही खत्म होने वाला था, लेकिन एक्सटेंड करके इन्होंने कहाँ पे इसको क्लोज किया? 21 तक, मतलब उसके बाद जो इंडस्ट्री चालू हो जाएंगी उसको 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 21 में जिन्होंने चालू किया होगा उनको तो 15 साल तक का ये बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हमें इसको पढ़ना होता है, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो मैं आपको क्या पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ कोई एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं ना, आप मुझे वर्बली बताओ। कैलसी है आप लोगों के पास? नहीं होगा तो दिमाग यूज कर सकते, दोनों में का एक भी चल देगा, ठीक है ना? दिमाग नहीं होगा तो कैलसी यूज करो, और कैलसी नहीं होगा तो दिमाग यूज करो, और दोनों नहीं होगा तो बैठे रहो। एबीसी लिमिटेड फर्निश यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एबीसी लिमिटेड नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्या इन्फॉर्मेशन दिया देखो? टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये क्या है? टोटल टर्नओवर है, याद आ रहा आपको? अपने को यूज होने वाला था टोटल टर्नओवर, तो 120 लाख है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ यूनिट ए, ये क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट, दो फिगर मिल गई, टोटल टर्नओवर मिल गया, टोटल प्रॉफिट मिल गया, लेकिन मुझे टोटल प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? याद करो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि जो बेनिफिट देंगे हम किसको देंगे? एक्सपोर्ट प्रॉफिट को देंगे। तो उन्होंने बोला एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए रिसीव्ड इन इंडिया इन द फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज बिफोर 30th September। अब ये भी बता देता हूं मैं, ये क्या है, लोग स्कैम क्या करते थे, एक्सपोर्ट टर्नओवर दिखाने के लिए बिलिंग कर देते थे फॉरेन एंटिटीज को, किसको भी, ठीक है ना? आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में सब्सिडी लेने के लिए, क्या लेने के लिए? एक्सपोर्ट सब्सिडी लेने के लिए। एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी देता था ना। ये हरामखोर लोग क्या करते थे, इंडिया के कुछ लोग पैकिंग करते थे माल, ठीक है ना, और उसके अंदर कुछ भी कचरा भर देते थे, कंटेनर भर देते थे बॉक्सेस, उसके अंदर गुड्स नहीं रहते थे, या गुड्स भी रहते थे तो एकदम बहुत घटिया क्वालिटी के गुड्स रहते थे जिसकी उतनी वैल्यू, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर आप 1 लाख का भी बना सकते हो और वैसे ही दिखने वाला फर्नीचर 2000 में भी बन सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? 2 लाख का टेबल और 2000 का टेबल, टेबल टेबल दिखता है, वो 2 लाख का दिखा देते थे और एक्सपोर्ट करते थे। अब आपको तो पता ही है कोई खरीदेगा तो नहीं है,
ये बोलते थे शिप लेके जाना पानी में और बाद में 12 नॉटिकल माइल क्रॉस होने के बाद फेंक देना। कौन पूछता है आपको एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? आपको क्या चाहिए? आपको सेल करके नहीं कमाना था, आपको क्या करके कमाना था? एक्सपोर्ट दिखा कि इंडिया में कमाना था। ऐसा चूना भी इंडियन गवर्नमेंट को लगाया गया, तो गवर्नमेंट ने बोला अभी ये चूना नहीं चलेगा, हम एक्सपोर्ट टर्नओवर उसी टर्नओवर को मानेंगे जिसका फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आया है। समझ में आ रहा है? और वो भी अभी 31 मार्च तक का फॉरेन एक्सचेंज 31 मार्च पे नहीं आएगा। आपको तो पता है डेटर अपने को थोड़ा क्रेडिट पीरियड मांगते हैं, तो उन्होंने बोला 6 मंथ में आना चाहिए। कितने महीने में आना चाहिए? 6 मंथ। मतलब 6 मंथ मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक। समझ में आ रहा है? टेक्निकली ये क्या है पता है, 1 मंथ प्रायर टू डेट ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या होता है? 31 अक्टूबर ड्यू डेट होता है, उसका पहला क्या होता है महीना, तो 30 सितंबर के पहले जो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा उतने को ही कंसिडर किया जाएगा। तो एक एडिशनल कंडीशन है जो मैंने आपको बता दी, एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा। आप मुझे बता दो 120 में का 60 करोड़ आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है, मतलब कितना परसेंटेज? अरे 120 में का 60 या 60 आउट ऑफ 50% दिख रहा है ना आपको, ब्रेन यूज करो ना। तो टोटल प्रॉफिट में का कितना प्रॉफिट एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा? 50%। तो 45 का 50% कितना आता है? 22.5 मेरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट है। जो डिडक्शन दिया है वो 45 करोड़ को नहीं, 45 लाख को नहीं दिया गया है। कितने को दिया गया है? 22.5 एक्सपोर्ट प्रॉफिट पहले निकाल लिया आपने। हाँ, वेरी गुड। अब आपको चेक क्या करना है कि ये यूनिट चालू कब हुआ था। अच्छा, उन्होंने और एक डेटा दिया है, देयर इज यूनिट बी लोकेटेड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और उससे भी कुछ प्रॉफिट आया 25 लाख रुपया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को 10AA लगता है क्या? नहीं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भले एक्सपोर्ट करे फिर भी उसको हम बेनिफिट नहीं देते, क्योंकि ये बेनिफिट किसके लिए लाया गया था, कौन से ज्योग्राफी के लिए लाया गया था? स्पेसिफिकली सेज के लिए लाया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए लाया गया था। कंप्यूटर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर AY, दिस AY अगर इसने चालू किया था अपना ऑपरेशन 1920 में, कब चालू किया था? अब मुझे बताओ 1920 में अगर आपने चालू किया कोई भी चीज़, अगर आप 1920 में चालू करते हो तो इसमें 5 साल अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कौन सा प्रीवियस ईयर बन जाता है? 24 25 के प्रीवियस ईयर तक आपको 100% बेनिफिट मिलना था। समझ में आ रहा है कैसे चेक करने का? ओके हाँ, तो हम लोग 100% वाले पीरियड में है अभी। तो देखो, ऐसा प्रेजेंटेशन कर सकते थे क्या? एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल टर्न, टोटल प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ये फॉर्मूला लिखना पॉसिबल है भी आप लोगों के लिए? फिर 45 लाख इंटू 60 लाख डिवाइड बाय 120 लाख इज इक्वल टू 22.5। अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ गया, अब मुझे सोचना खाली कितना है, 100% दो 50% ना, पहले 5 साल में रहेगा तो 100%। तो हमने निकाला कि बाबा 100% डिडक्शन दिया जाएगा क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर्स में है, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है पहली लाइन में 100% डिडक्शन दिया जाएगा क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर के पीरियड में आ रहा है ये। ओके और ये जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया था, नोट लिखा उन्होंने 10AA इज नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नो डिडक्शन फॉर यूनिट बी। क्यों? क्योंकि यूनिट बी कहाँ लोकेटेड था? DTA में। DTA बोले तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ठीक है ना। टैरिफ एरिया मतलब जहाँ पे टैक्स लगता है, इसलिए उसको डोमेस्टिक मतलब इंडिया का एरिया, टैरिफ मतलब वहाँ टैक्स लगता है। तो सेज कौन सा एरिया हो गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ टैरिफ नहीं लगता। टैरिफ नहीं लगता मतलब वहाँ पे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगते। ओके और डायरेक्ट टैक्स में भी हमने उसको बेनिफिट दिया है। क्लियर है? ओके सो फाइनली वी गॉट द क्वेश्चन। रुद्र लिमिटेड हैज 1 यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड अनदर यूनिट एट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। आप ही बता दो कौन से यूनिट को एग्जम्पशन मिलेगा? सेल्स को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप डेटा देखो, अभी टोटल सेल्स उन्होंने रुद्र लिमिटेड का दिया है, मतलब एंटिटी का सेल्स दिया है। टोटल सेल्स एंटिटी का दिया है और सेल्स DTA का दिया है, जबकि हमें एग्जम्पशन किसको देना है? और सेल्स का डेटा ही नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो बस क्वेश्चन में उतना ही ट्रिकी पॉइंट है। क्या करोगे आप? टोटल में से DTA निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? सेज बन जाएगा। इतना दिमाग है आपके पास? थैंक यू, ठीक है ना। बस उतना ही यूज करना था। यहां पे सेज लिख दूं मैं तो मुझे बताओ, अगर 6 करोड़ टोटल एंटिटी का टर्नओवर था और DTA का 2 करोड़ था तो सेज का टर्नओवर कितना आएगा? 4 करोड़ आएगा। एक्सपोर्ट सेल्स, अभी ये टोटल सेल्स था,
एक्सपोर्ट सेल पूरा रुद्र लिमिटेड का 4.6 था, डीटीए का 1.6 है, तो सेज का एक्सपोर्ट सेल्स कितना हुआ रहेगा? 3 करोड़। ये समझ में आ रहा है? अब इन दो डेटा को देखो, आउट ऑफ टोटल 4 करोड़ ऑफ सेज का टर्नओवर, 3 करोड़ इज एक्सपोर्ट सेल, मतलब क्या ना इसे 75%, ठीक है ना। अब टोटल रुद्र लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है? 80 लाख। उसमें का डीटीए का प्रॉफिट कितना था? 20 लाख। तो फिर इसका हुआ कितना? 60 लाख। ये समझ में आ रहा है? ये टोटल प्रॉफिट हुआ किसका? सेज का। मुझे टोटल प्रॉफिट नहीं चाहिए साहब, मुझे क्या चाहिए? एक्सपोर्ट प्रॉफिट चाहिए। क्या आप कोई ऐसा मैथ्स का अल्फा थीटा गामा यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज करके मुझे बता सकते हो क्या कितना आ रहा है एक्सपोर्ट प्रॉफिट? कितना आ रहा है? 45 लाख। क्या किया आपने? 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, 3/4 निकालना था रहे जी, ठीक है ना, सिंपल है। अब आपको क्या चेक करना है कि मेरा पीरियड कौन सा चालू है, एम आई इन द 100% पीरियड और 50% पीरियड, मैं पहले 5 साल में हूँ कि मैं नेक्स्ट 5 साल में। तो उन्होंने 2 क्वेश्चन बनाए यहाँ पे। मान लेते हैं कि यूनिट वॉज सेटअप इन 2014, मई 2014, तो 14-15 में स्टार्ट हुआ रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? 14-15 में अगर स्टार्ट हुआ रहेगा कोई यूनिट, तो अब तक तो 10 साल हुए रहेंगे, तो इसमें 10 साल में अगर ऐड कर देता हूँ 10-10, तो मुझे बता दो कौन सा प्रीवियस ईयर बनता है ये, मतलब ये 24-25 तक, अपन 24-25 तक कौन सा पीरियड चालू है अभी, ये 10 ईयर वाला ना, 6 ईयर टू 10 ईयर वाला, तो कितना परसेंटेज डिडक्शन मिलेगा? 50%। 50% किसका? एक्सपोर्ट प्रॉफिट का। एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना निकाला था आपने? तो 45 लाख का, समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? क्लियर है? पक्का? हाँ। दूसरा मैंने क्या पूछा आपको? अगर 2018 में स्टार्ट हुआ रहेगा तो 18-19 में स्टार्ट हुआ। अब कोई चीज अगर 18-19 में स्टार्ट होती है तो उसमें कितने साल ऐड करने चाहिए अपने को? 18-19 में होती है तो 5 साल ऐड करो, 23-24। इसके डेट्स हमें आगे लेने पड़ेंगे। 23-24 तक का आपका इस क्वेश्चन में तो 24-23 का ही प्रीवियस है, तो मुझे बताइए कितना होगा पूरा 100% ना? पहले 5 साल के पीरियड में आओगे तो 100%। ये समझ में आ रहा है? हाँ। तो आंसर का प्रेजेंटेशन देख लो, बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। पहले इसमें 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 300 लाख डिवाइड बाय 400 लाख इज इक्वल टू 22.50 लाख। ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाला उन्होंने, और फिर उन्होंने बोला कहीं पे 100% आपको डिडक्शन मिलेगा और कहीं पे 50% डिडक्शन मिलेगा ना। 45 लाख का यहाँ पे 100% मिला और यहाँ पे 50% मिला। ये क्लियर है? क्योंकि पहले वाले पीरियड में आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में थे, यहाँ पे आप फर्स्ट 5 ईयर में हो। डेट हमको क्वेश्चन के आगे लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पुराने मॉड्यूल में से लिया है, तो वी हैव टू चेंज द डेट अकॉर्डिंगली। क्लियर है? चलेगा? समझ में आया? थोड़े मोटे क्वेश्चन ले लूँ और इसमें से टाइम पास क्वेश्चन ले लूँ। ऐसे ही पूछ लेता हूँ यहाँ वहाँ की बातें, ऐसे कोई भी, ठीक है ना। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स, मतलब बताना है कि टैक्सेबल है कि नहीं है। पहला बोलता है अरविंद रिसीव 20,000 एज ही शेयर फ्रॉम इनकम ऑफ HUF। ये तो एग्जम्प्ट है, क्यों? HUF ने क्या भरा होगा? टैक्स। डबल टैक्सेशन ना हो करके हमने मेंबर को एग्जम करके रखा हुआ, 10-2 इफ यू रिमेंबर, ठीक है ना। जेवियर, मिस्टर जेवियर, अ परमवीर चक्र अवार्डी हु वॉज फॉर्मली इन सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव पेंशन ऑफ 2.2 लाख। परमवीर चक्र एग्जाम था सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 तो याद आएगा, क्लॉज नहीं याद आएगा तो ठीक है। आगे, एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 127 अर्न बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन मलेशिया फुल्ली टैक्सेबल फॉरेन एग्रीकल्चर लैंड। रेंट ऑफ 72,000 रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड फॉर अ मूवी शूटिंग टैक्सेबल। मैंने क्या बताया था? एग्रीकल्चर लैंड का रेंट एग्जम्प्ट है, लेकिन किसके लिए यूज होना चाहिए? एग्रीकल्चर के लिए यूज होगा तो ही एग्जम्प्ट है, बस और कुछ नहीं। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम का टैक्सेशन। सैपलिंग एंड सीडलिंग याद आ रहा है आपको? नर्सरी में सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रो करेगा एग्रीकल्चर है या नहीं, ये पूछा गया क्वेश्चन, अलग से 3 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आया, तो क्या बताएंगे हम? डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आकर गया है। फिर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, देखो
ये भी टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं हमने, ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सच और झूठ का सामना करेंगे, ठीक है ना। एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू सिक्किम इज इंडिविजुअल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। फॉल्स है, खाली खाली सिक्किम की बात नहीं की थी मैंने, क्या बोला था, डिविडेंड और इंटरेस्ट बाहर से भी आ सकता है और वो एग्जम्प्ट रहेगा, याद आ रहा आपको। हाँ, ये पुराना लॉ था ऐसे। आगे, पेंशन रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला है वो बोलता है कि इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, ट्रू ना, क्योंकि गैलेंट्री और परमवीर चक्र वगैरह मिला उसका पेंशन तो एग्जम्प्ट ही रखेंगे, ठीक है। मिस्टर ए मेंबर ऑफ एचयूएफ रिसीव 10,000 एज ही शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ टू बी इंक्लूडेड इन चार्जेबल इनकम, मतलब टैक्सेबल होगा ऐसे लिखा है सेंटेंस में। फॉल्स है, क्यों, क्योंकि टैक्सेबल नहीं है, ये क्या है, एग्जम्प्ट हो जाता है ना ये, बस। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आप हैंडल कर ही लोगे, मुझे इतना पता है। तो पहले तीन चैप्टर हमारे हो चुके हैं फेज वन इनकम टैक्स का, जो लेवी वाला फेज होता है, आपको मैं बताते रहता हूँ ना कि लेवी लेवी लेवी, पहले सेक्शंस में लेवी हम पढ़ते हैं, उसमें का टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट वगैरह बाकी वो आराम से करेंगे। पहले ही डायरेक्टली एनपीओ सीखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का सीख लेते हैं, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर से हम क्या चालू करेंगे, हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट होगा। आई रिक्वेस्ट माई कंप्लायंस टीम साइली को कि सैलरी के नोट्स और विनायक सर सैलरी के क्वेश्चन आंसर आप दे दो, और अभी तक जितने तीन चैप्टर हो चुके उसके नोट्स और लेक्चर्स जितने जल्दी अपलोड करो उतने जल्दी अच्छा है। थैंक यू, नमस्कार।